दोस्तों, मच्छर की प्रॉब्लम किस शहर में नहीं होगी देश में? मुझे लगता है सारे शहरों में मच्छर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मुझे लगता है काफ़ी लोग बहुत कुछ करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ये वाली गुड नाइट जलाते हों, या कुछ लोग मोर्टीन या ऑल आउट जलाते होंगे। रिसेंटली मैंने टीवी में एक ऐड देखा, तो मैंने देखा कि ये वाला नया गुड नाइट आया है, इसमें 4 घंटे में वेपर्स छोड़ेगा, तो वो भी मैं लेके आया। लेकिन दोस्तों, वो भी फेल हो चुका है, ये भी सही से काम नहीं कर रहा। मच्छर जो इतने इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये सब अब काम नहीं कर रहा। एक ये स्टिक काफ़ी टाइम से काफ़ी पॉपुलर थी, कम्फर्ट की, आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग इसके भी काफ़ी डुप्लीकेट भी आती है, लेकिन ये मेरे हाथ में ओरिजिनल वाली है, तो ये भी अब कारगर नहीं है। मच्छर इससे भी नहीं मर रहे हैं, तो अब किया क्या जाए? क्या मलेरिया होने दिया जाए? क्या डेंगू होने दिया जाए? क्या जैपनीज इन्फ्लाइटिस होने दिया जाए? तो ऐसे में दोस्तों, लगभग साल भर पहले मैं ये एक बैडमिंटन रैकेट लाया, सब लोग इसे जानते ही होंगे, तो लेकिन ये मात्र 1-2 महीने चला, फिर ये ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर के आया, दूसरा भी 1-2 महीने चला, फिर वो भी ख़राब हो गया। इस तरह करते हुए 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरह करते करते 5 रैकेट हो गए और बारी बारी करके 5ों ख़राब हो गए। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने दोस्तों इसे देखा कि किस तरह इसमें क्या ख़राब हो रहा है। तो मैंने इसमें पाया कि एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट इसमें लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, वो इसमें ख़राब होता है और मात्र 8 रुपये का वो पार्ट आता है। 99% वही पार्ट दोस्तों ख़राब होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस रैकेट को आप किस तरह खोलेंगे, किस तरह उसकी फॉल्ट ढूंढेंगे, और किस तरह आप उस कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं, और कैपेसिटर आपको मिलेगा कहाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़े से मैं टिप्स दे दूँ इसको यूज़ करने के, कि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। और दोस्तों, एक टिप ये भी थी कि जब भी आप इसे ऐसे ऑन करके, आप देख सकते हैं लाइट जल रही होगी, जब भी ऑन करके आप मच्छर को मारें इससे, तो मच्छर इसी में फंसा रह जाता है। जब फंस जाए और मच्छर मर जाए, तो आप इसे एक बार यूं जग दे करके, चाहे फूंक मार के, चाहे ऐसे हल्का सा झटका मार के उस मच्छर को गिरा जरूर दें। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर बार बार बटन दबाएंगे, तो कैपेसिटर जो है करंट बनाएगा, चार्ज बनाएगा, और वो चार्ज बार बार उसी मरे हुए मच्छर को मारने में यूज़ होगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक बार आपने कैपेसिटर बदला, तो मान के चलिए इसकी जैसे 2000 बार चार्ज बनाने की कैपेसिटी है। तो अगर आप मरा हुआ मच्छर इसमें अटका हुआ है और आप बार बार बटन दबा रहे हैं, तो वो चार्ज उसी मरे हुए मच्छर में बार बार मिस यूज़ हो रहा है, एक तरह का उसका वेस्ट हो रहा है। आप मच्छर को गिरा दीजिए, उसके बाद इसका बटन दोबारा दबाइए, उससे पहले आप दोबारा बटन इसका मत दबाइए। तो ये एक छोटी सी टिप थी, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका ये जल्दी ख़राब ही नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, इसमें एक जो बाहर वाला जो जाल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें 3 लेयर का जाल है, एक बाहर जिसके मुँह थोड़े चौड़े हैं, और एक अंदर जिसके मुँह थोड़े बारीक हैं, और एक सबसे बाहर वाला। तो जो अंदर वाला है उसी में प्लस वाला तेज़ करंट रहता है, चार्ज इसमें स्टोर्ड हो जाता है, और जैसे ही मच्छर इसमें फंसता है तो प्लस और माइनस दोनों से वो टच करता है, बाहर वाले अंदर वाले दोनों से जब टच करेगा तो कस के स्पार्किंग होती है और मच्छर जल के मर जाता है। तो अब क्या दोस्तों, कि कुछ समय बाद जो है इसका जो कैपेसिटर है, जो कि खूब सारा चार्ज जो डेवलप करता है 2000 वोल्ट का होता है, वो ख़राब हो जाता है, और इसमें एक 4 वोल्ट की बैटरी भी लगी रहती है। अगर आपका ये रैकेट साल भर लगभग पुराना हो चुका है, तो बैटरी भी ख़राब हो सकती है। लेकिन 99% जो मैंने देखा है, मेरे सारे रैकेट्स में यही कैपेसिटर ही खराब हुआ, और बैटरी अभी तक किसी की भी खराब नहीं हुई है। हालांकि बैटरी भी आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाती है, और कैपेसिटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 रुपये में आपको मिल जाता है। ये मिलेगा कहाँ दोस्तों? आपके शहर में कोई ना कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप जरूर होगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कंडेंसर, सोल्डर, सोल्डरिंग रॉड, ये सब चीज़ें आपको मिलती होंगी। तो वहाँ से आप जाके ये सब चीज़ आसानी से ले सकते हैं, चाहे तो आप सैंपल निकाल के ले जाएं, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मॉडल नंबर लिख दूंगा कैपेसिटर का या बैटरी का, तो वो भी आप जाके सैंपल दिखा के भी ले सकते हैं, या आप जवानी बता के भी ले सकते हैं। कुछ दुकानों पे आपसे इसकी ज़्यादा कीमत भी वसूली जाती है, और कुछ दुकानों पे, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल रेट बताया जो कि लखनऊ में अवेलेबल है, बाकी शहरों का मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ज़्यादातर शहरों में इस तरह की शॉप्स होती हैं, वहाँ से जाके इसके पार्ट ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए आपको, सिंपली एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए और छोटे मोटे टूल्स ही चाहिए, बहुत आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे बात कर ली और मैंने बता दिया कि क्या करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। ये मेरे पास 2 रैकेट हैं जो पहले खराब थे, और अब इस समय मैं उन्हें सही कर चुका हूँ। देखिए, मैंने ऑन का बटन मैंने प्रेस किया है, और देखिए मैंने शॉर्ट किया तो आवाज आ रही है। दूसरा एक और रैकेट है, ये भी पहले खराब था,
और अब ये मेरे पास एक और ख़राब रैकेट है जिसको मैं अभी मैं सही करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मैंने चार्ज इसमें स्टोर किया बटन दबा करके और शॉर्ट किया बीच वाले और बाहर वाले मैश को, तो वो नहीं शॉर्ट हुआ। दोस्तों, इसको पहले हम लोग खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये सारे स्क्रूज हम लोग जल्दी से खोल देते हैं। खोलने के बाद दोस्तों, इसका ऊपर का कवर इस तरह हटा देंगे। यहाँ देखिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बैटरी लगी हुई है और ये कुछ सर्किट लगा हुआ है। सर्किट में ऑन ऑफ बटन है, एक आपका एलईडी इंडिकेटर है, ये एक मल्टीमीटर है। दोस्तों, इसको हम लोग जो है कंटिन्यूटी वाले मोड पर, जिस पे बीप साउंड आता है, वहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। और देखिए जहाँ पे ऊपर वाला पीएफ कैपेसिटर लगा रहता है, ये देखिए कंटिन्यूटी में है। दोस्तों, बीप साउंड आएगी आपको, आप सुन सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पे इसका पीएफ कैपेसिटर लगा है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। देखिए बीप साउंड आ रही है, इसका मतलब ये कैपेसिटर ही खराब है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सर्किट को हम लोग खोल लेते हैं दोस्तों। तो इसको सबसे पहले देखिए, इस तरह खोल लिया मैंने स्क्रूज की मदद से। और अब जो ये पीएफ कैपेसिटर से जो रेड कलर की और ब्लू कलर की जो दो तारें जो जुड़ी हुई हैं दोस्तों, इनको हटा लेंगे। एक्चुअली में रेड वाली जो तार है, ये अंदर वाले जो जाल है, जो महीन वाला छेद वाला जो जाल है, उससे कनेक्टेड होता है। और देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे, एक पॉइंट रेड में लगा के और एक पॉइंट ब्लू में लगा के, तो साउंड नहीं आनी चाहिए। और अगर रेड में लगा के अगर अंदर वाले को अगर जाल को अगर टच करेंगे, तो साउंड आनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये तरीका है इस जाल को चेक करने का, इस बैडमिंटन वाले वायर मैश को चेक करने का। तो हमारा वायर मैश बिल्कुल सही है दोस्तों, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, ये देखिए सर्किट में आप इस वाले पीएफ कैपेसिटर को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे इनको पहले ही से खरीद के रखा हुआ है। और दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस पीएफ कैपेसिटर के लेग्स में सोल्डर की मदद से हमने इसको बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा वॉर्म टाइप की चीज लीक भी हो गया, क्योंकि ये बेकार हो चुका है। इसका मॉडल नंबर होता है 223J 2000 वोल्ट, ठीक है, पीएफ कैपेसिटर के नाम से आपको मिलेगा। और अगर खराब है तो बीप साउंड आएगी, अगर खराब नहीं है, जैसे कि ये देखिए ब्लू वाला नया है, तो इसमें बीप साउंड नहीं आई। इसका मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। अब मैं इसे सर्किट में उसी जगह पर लगा देता हूं। लगाने के बाद दोस्तों, इसके लेग्स को हम लोग कुछ मोड़ देंगे इस तरह, और मोड़ने के बाद हम लोग सोल्डर की मदद से इसको सोल्डर कर देंगे दोनों लेग्स को। और दोस्तों, अगर ये मॉस्किटो बैट या रैकेट आपको खरीदना है, तो ये 6 महीने और 1 साल की वारंटी के साथ भी आता है। मैंने अमेजोन के कई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वायर कटर की मदद से मैंने इन्हें काट दिया है। और वायर कटर से काटने के बाद दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं मल्टीमीटर आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। अगर ये सही है तो देखिए साउंड नहीं आएगी, और देखिए साउंड नहीं आई। तो चलिए, इसका मतलब बिल्कुल सब कुछ सही है। बस अब हमें क्या करना है कि जो ब्लू वाली तार थी जिनको मैंने हटाया था, वो वहाँ पे नीचे की साइड जोड़ देंगे, और रेड वाली जो तार है उसे ऊपर की तरफ, यानी कि दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। वापस सारे स्क्रू से पहले हम लोग सर्किट को कस देते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर वाले कवर को लगा देते हैं। ऊपर वाला कवर लगाने के बाद सारे स्क्रूज फिर से वैसे ही बिल्कुल टाइट कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये मॉस्किटो बैट या रैकेट आपको खरीदना है, तो ये 6 महीने और 1 साल की वारंटी के साथ भी आता है। मैंने अमेजोन के कई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए, अब इसे चेक करते हैं। देखिए ऑन कर दिया, देखिए चार्ज हमने स्टोर किया, रेड लाइट जल रही है, और देखिए शॉर्ट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मॉस्किटो रैकेट रिपेयर का ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम का लगा होगा, और हमेशा की तरह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे दोनों चैनल्स टेक्नो तपन और तपन गुप्ता दोनों को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।